मंडी में अनिल शर्मा को बीजेपी के कार्यक्रम में कुर्सी न मिलने और उन पर कार्रवाई के मामले को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा आज भी बीजेपी के विधायक बने हुए हैं। अनिल शर्मा का जो मामला है वे सभी के ध्यान में है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी को लेकर जो काम नहीं किया है उस पर पार्टी आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। मंडी में अनिल शर्मा की बीजेपी के कार्यक्रम में कुर्सी ना मिलने और उन पर कार्रवाई के मामले को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा आज भी बीजेपी के विधायक बने हुए हैं। अनिल शर्मा का जो मामला है वे सभी के ध्यान में है। उन्होंने लोकसभा चुनावों में पार्टी को लेकर जो काम नहीं किया है उस पर पार्टी आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल में 20 जून को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है जिसमें बीजेपी के विधायक और एमपी और सभी पदाधिकारी शामिल होंगे और वहां पर अनिल शर्मा का मामला भी रखा जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इनका हल भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली जब कार्यक्रम समाप्त हो गया कि अनिल शर्मा जी वहां मंच के ऊपर आए थे, क्योंकि जब हम पहुंचे तो शायद वो निकल गए थे, तो हो सकता है उनको वहां जगह ना दी हो, वो वहाँ पर आए उसके कारण पार्टी के, क्योंकि आज भी वो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पार्टी के विधायक के नाते हैं, उसके नाते जो इलेक्शन में लोकसभा में हुआ वो सब लोग हम लोग जानते हैं। उस इलेक्शन के कारण आगे क्या कार्रवाई होनी है वो पार्टी तय करेगी। आने वाले कुछ समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की शिमला में मीटिंग हो रही है 20 तारीख को, और उसके साथ साथ पदाधिकारियों की हो रही है, और उस मीटिंग में विधायक एमपी बाकी सब लोग आए होंगे, जिलों के अध्यक्ष लोग उसमें आए होंगे। उस में 20 तारीख को हम लोग ऐसे अनेकों मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही सब कामों के ऊपर आगे बढ़ेंगे।